शेयर करने जा रही हूँ दो ऐसे बेस्ट सनस्क्रीन जो स्पेशली है समर सीजन के लिए। तो इनको मैं बेस्ट सनस्क्रीन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समर सीजन के लिए जब भी हम सनस्क्रीन को चूज करते हैं, फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो सनस्क्रीन हो जो नॉन ग्रीसी हो, नॉन शाइनी हो, जिसको अप्लाई करने के बाद हमें स्वेट की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वाटर रेजिस्टेंट हो, लाइट वेट होना चाहिए, कोई भी वाटर कास्ट ना छोड़े, क्योंकि समर सीजन में चाहे आपकी स्किन की टाइप ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या ऑयली है, हर किसी को समर सीजन में तो स्वेट की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए समर सीजन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है कि वही सनस्क्रीन परचेज करें जिसको अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन पे स्वेट की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और अक्सर जिन लोगों की स्किन पे डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, जब वो भी किसी सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं स्पेशली समर सीजन में, बाद में उनकी स्किन डार्क होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ दो समर स्पेशल ऐसे सनस्क्रीन जिनको अप्लाई करने के बाद ना तो आपकी स्किन डार्क होगी और ना ही आपको स्वेट जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस करनी पड़ेगी। और ये दो ऐसे सनस्क्रीन हैं जिसका यूज हर कोई कर सकता है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रॉन है या स्किन है आपकी ऑयली। तो आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ शेयर, सो प्लीज गाइस लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक सन ब्लॉक लोशन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है और SPF 30 PA डबल प्लस। तो ये किन लोगों की स्किन को सूट करेगा, तो यहाँ पे अरोमा मैजिक के सनस्क्रीन पे मेंशन होता है। तो ये सनस्क्रीन है फॉर ऑल स्किन टाइप्स और ये येलो कलर की ट्यूब में है, फ्लिप टॉप इसका कैप है, तो ईजी है यूज करना, कैरी करना। 180 रुपीज प्राइस है, 36 मंथ की शेल्फ लाइफ और 50 ml है इस सनस्क्रीन की क्वांटिटी। तो ये है इस सनस्क्रीन का कलर और टेक्सचर, क्रीमी सा लाइट क्रीम बेस है ये सनस्क्रीन, ना थिक है ना रनी है और वाइट सा है ये सनस्क्रीन। तो आपने इस तरह से इस सनस्क्रीन को करना है अप्लाई करना है जो आपकी स्किन पे एक अच्छी सी लेयर ये बना लेगा और प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस अरोमा मैजिक सनस्क्रीन का ओवरऑल रिजल्ट। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था एक अरोमा मैजिक का जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो स्पेशली था उन लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन पे एक्ने या पिंपल जैसी प्रॉब्लम रहती है, स्किन काफी ज्यादा ऑयली भी रहती है। बट आज ये मेरे पास है ये अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन जो स्पेशली है सभी स्किन टाइप वालों के लिए, यानी कि हर कोई इस सनस्क्रीन का यूज कर सकता है। तो इसलिए इस समर सीजन में मैं इस सनस्क्रीन का यूज कर रही हूँ। इसको यूज करने का रीजन ये है कि जो ये सनस्क्रीन है अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन 100% केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, जिसको आप कहते हैं ना फिजिकल सनस्क्रीन, तो ये कम्प्लीटली है फिजिकल सनस्क्रीन क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया और इसमें जिंक ऑक्साइड का यूज किया गया जो आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी ए रे से भी प्रोटेक्ट करेगा और यूवी बी रे से भी करेगा प्रोटेक्ट। तो ये कम्प्लीटली केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री सनस्क्रीन है और स्पेशली है ये एक फिजिकल सनस्क्रीन। और इस सनस्क्रीन का SPF फैक्टर 30 है, PA है डबल प्लस, यानी कि जो ये अरोमा मैजिक का ये सनस्क्रीन है ये आपको 97% प्रोटेक्ट करेगा, हार्मफुल यूवी ए रे से भी प्रोटेक्ट करेगा और यूवी बी रे से भी करेगा प्रोटेक्ट। तो स्पेशली वही सनस्क्रीन परचेज करना चाहिए जो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यानी कि वो आपको यूवी ए रे से भी प्रोटेक्ट करे और यूवी बी रे से भी करे प्रोटेक्ट। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है जब भी आपने सनस्क्रीन को करना है परचेज। तो ओवरऑल गाइस अगर मैं इस सनस्क्रीन के रिगार्डिंग बात करूं, इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करूं, तो सबसे अच्छी बात इस सनस्क्रीन की ये है ये काफी ज्यादा लाइट इन वेट है सनस्क्रीन, बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने कोई सनस्क्रीन फेस पे अप्लाई किया, क्योंकि अक्सर जब भी हम सनस्क्रीन को फेस पे अप्लाई करते हैं हमारे फेस पे हमारी स्किन पे ग्रीसीनेस जैसी प्रॉब्लम फेस करनी शुरू हो जाती है, हमारा फेस काफी ज्यादा चिपचिप होना स्टार्ट हो जाता है, ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है, कई बार डार्क होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस सनस्क्रीन के रिगार्डिंग बात करें तो इसको अप्लाई करने पर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी, ना तो स्वेट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ना तो ऑयल की, ना तो ग्रीसीनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जो ये अरोमा मैजिक का ये वाला सनस्क्रीन है ये हर कोई यूज कर सकता है, चाहे ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या एक्ने भी होते रहते हैं, तो भी आप इस सनस्क्रीन का यूज कर सकते हो। और जो ये सनस्क्रीन है इसके टेक्सचर के मैं रिगार्डिंग अगर बात करूँ, ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, बट ये कोई थिक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन नहीं है, बहुत लाइट सा टेक्सचर है इस सनस्क्रीन का, क्विकली आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है ये सनस्क्रीन। बट थोड़ा सा इशू है इस सनस्क्रीन के साथ, इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो, बट बाद में जब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं अपनी स्किन पे तो
जो इसकी स्मेल होती है वो ऑटोमेटिकली चले जाती है, बिल्कुल भी आपको कोई स्मेल बाद में नहीं आती। तो ओवरऑल गाइज मैं हर किसी को सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन इस बार इस समर सीजन में तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और खास बात यह है कि ये बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं पैराबेन फ्री होते हैं वो हमेशा कॉस्टली होते हैं। बट जो ये अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन है ये बजट फ्रेंडली है सनस्क्रीन, तो डेफिनेटली आप इस सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं। बट इस सनस्क्रीन के रिगार्डिंग एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। यानी कि इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद आप स्विमिंग करने तो बिल्कुल भी ना जाए, तो अगर आप स्विमिंग करने जाते तो उसके लिए आपको हमेशा वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन ही परचेज करना चाहिए। तो ओवरऑल गाइज बेस्ट है सनस्क्रीन, समर सीजन के लिए बेस्ट है, हर किसी को मैं सजेस्ट करती हूँ कि बिना सोचे समझे आपको ये सनस्क्रीन डेफिनेटली इस समर सीजन में तो जरूर ट्राई करना चाहिए। सो ये सिप्ला का है रवीला जेल ड्राई टेस्ट सनस्क्रीन, जिसका एसपीएफ 30 प्लस है, पीए है ट्रिपल प्लस। और इस सनस्क्रीन की खास बात ये है कि आर्गन ऑयल का इसमें यूज किया गया, जिसके कारण ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करता है। तो 60 ग्राम की ये ट्यूब में आता है सनस्क्रीन, 800 प्राइस है, 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है इस सनस्क्रीन की। तो ये आप देख सकते हो टेक्सचर क्रीम बेस है ये सनस्क्रीन, पर बहुत ज्यादा लाइट है इस सनस्क्रीन की। आप क्रीम जो आपकी स्किन पे जस्ट इन सेकेंड में ही एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। सो नेक्स्ट मेरे पास बेस्ट सनस्क्रीन जो स्पेशली रिकमेंड किया था मुझे डॉक्टर ने, तो ये है मेरे पास रवीला का ड्राई टच सनस्क्रीन। तो इस सनस्क्रीन की खास बात ये है कि ये भी प्रिजर्वेटिव फ्री है सनस्क्रीन, हार्मफुल केमिकल का बिल्कुल इसमें यूज नहीं किया गया, और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उन्होंने यूज किया गया। इसीलिए आपको स्किन डॉक्टर हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आपको ये रवीला का ड्राई टच सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। और खास बात यह है कि ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, पीए लेवल ट्रिपल प्लस है, यानी कि ये आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल यूवी ए रे से भी और यूवी बी रे से भी करेगा प्रोटेक्ट। और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है सनस्क्रीन, यानी कि इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप स्विमिंग करने भी जाते हो तो भी आपकी स्किन को करेगा प्रोटेक्ट। तो ओवरऑल गाइस इस सनस्क्रीन में वो सारे फैक्टर प्रेजेंट है जो हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे सनस्क्रीन में होने चाहिए स्पेशली समर्स में, यानी कि हमारा स्वेट प्रूफ होना चाहिए सनस्क्रीन, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन ग्रीसी होना चाहिए, नॉन ऑयली होना चाहिए, अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन डार्क ना हो जाए, अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन हमारी स्किन पे कोई व्हाइट कास्ट ना छोड़े, लाइट वेट हो, बिल्कुल भी फील ना हो कि हमें सनस्क्रीन अप्लाई किया है, जिसके कारण कई बार ऐसे सनस्क्रीन होते हैं अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन पे काफी ज्यादा चिपचिपाहट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कंडीशंस हम चाहते हैं, ये फैक्टर्स हम चाहते हैं कि हमारे सनस्क्रीन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ओवरऑल गाइज आपको ये सारे फैक्टर्स ये रवीला के ड्राई टच सनस्क्रीन में डेफिनेटली मिलेंगे। और खास बात यह है कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आर्गन ऑयल का भी यूज किया गया और ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्मूथ बनाता है, काफी ज्यादा लाइट इन वेट है, ट्रांसपेरेंट जैसे जेल होती है ना, जैसे ट्रांसपेरेंट हम अक्सर प्राइमर का यूज करते हैं, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि हम फेस पे प्राइमर ही अप्लाई करें, इस तरह से है ये रवीला के ड्राई टच सनस्क्रीन का टेक्सचर। और इसमें एक और खास बात ये है कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, तो इसको अगर हम रूटीन में भी यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो ढेर सारे बेनिफिट हैं इस रवीला के ड्राई टच सनस्क्रीन के, बट एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो ये सनस्क्रीन है ये आपको केमिस्ट की शॉप से ही मिलेगा, यानी कि मेकअप स्टोर से आपको ये सनस्क्रीन नहीं मिलेगा, आपको अच्छी सी केमिस्ट शॉप से ही ये सनस्क्रीन मिलेगा। और थोड़ा सा कॉस्टली है ये सनस्क्रीन, इसका प्राइस है 800, बट अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो नियर अबाउट आई थिंक 600 में आपको इजिली मिल जाएगा, बट बेस्ट है ये सनस्क्रीन। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी अच्छे सनस्क्रीन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हो, खासतौर पे उन लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ जिन लोगों की स्किन पे काफी ज्यादा डार्क स्पॉट ब्लेमिशेज जैसी प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि आपको ये रवीला का ड्राई टच सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, इससे आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली करते हो यूज। तो ओवरऑल गाइज तो ये है मेरे पास एक और बेस्ट ओवरऑल गाइज ये है मेरे दो ऐसे सनस्क्रीन जो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग समर सीजन के लिए। वैसे तो हर सीजन में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही चाहिए, चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, बट मैंने अक्सर देखा है जब समर सीजन स्टार्ट हो जाता है लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट की और सनस्क्रीन को परचेज करने, और सोचते हैं कि हमें कौन सा सनस्क्रीन परचेज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा सोच समझ के अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको सनस्क्रीन परचेज करना चाहिए, और यही एडवाइस
देती हूँ कि आपको हमेशा केमिकल फ्री पैराबिन फ्री सनस्क्रीन का ही यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हमें डेली ही यूज करना पड़ता है, चाहे सीजन विंटर हो चाहे सीजन समर हो। तो अपनी स्किन को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो हार्मफुल यूवी रे से, तो आपको डेली ही सनस्क्रीन करना चाहिए अप्लाई। तो ये दोनों बेस्ट सनस्क्रीन है, आप इन दोनों में से किसी भी सनस्क्रीन को परचेज कर सकते हो। तो अगर बजट के अकॉर्डिंग देखें तो ये बजट फ्रेंडली है, डेली अप्लाई करना चाहते हो तो बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेली आप इस सनस्क्रीन को यानी कि अरोमा मैजिक के इस सनस्क्रीन को कर सकते हो अप्लाई। तो एक लास्ट में मैं टिप सबको यही देती हूँ कि कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई करें, सनस्क्रीन को कभी डायरेक्ट आपने अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना, पहले आपने मॉइस्चराइजर को करना है अप्लाई। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर परचेज करें और उसको ही करें अप्लाई। ये ना सोचे कि समर सीजन है, समर सीजन में हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। समर सीजन में भी हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, पर डिफरेंस यही होता है कि समर सीजन में हमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर करने चाहिए यूज। तो हमेशा आपने पहले मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है, देन मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद आपने इन सनस्क्रीन को करना है यूज। तो ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो, स्पेशली उन सनस्क्रीन के रिगार्डिंग जो बेस्ट है समर सीजन के लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।